दुख की बात है। आंदोलन के 35वें दिन गुजर गए और आज भी मधुपुर अनुमंडल अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं का धरना बरकरार है। कानून के जानकार और विभिन्न मुकदमों का वकालत करने वाले इन वकीलों के इस तरह का धरना प्रदर्शन शायद ही मधुपुर में देखने को मिली हो। दरअसल मामला मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव को लेकर है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि संघ के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद सिंह के साथ एसडीओ द्वारा असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसको लेकर सभी अधिवक्ताओं ने गोलबंद होकर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव के सभी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया है। वहीं अनुमंडल कार्यालय के निकट अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की जा रही है। आज इसी धरना प्रदर्शन में झारखंड के पूर्व मंत्री राजपलिवार भी पहुंचे और उनका नैतिक समर्थन किया। पूर्व मंत्री राजपलिवार ने कहा कि उन्हें बुलाया नहीं गया है, बल्कि अखबारों और मीडिया के माध्यम से लगातार खबरों को देखकर यहां आना पड़ा। उन्होंने अधिवक्ताओं से मिलकर उनसे पूरी जानकारी ली और कहा कि ताज्जुब की बात है कि अभी तक आप लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। पूर्व मंत्री राजपलिवार ने कहा कि अधिवक्ताओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने एसडीओ से निवेदन करते हुए कहा कि अगर दुर्व्यवहार की गई है तो माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो अभी भी मैं वक्त देता हूं, अभी भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से हो, जिस माध्यम से हो, जिस तरीके से हो, अधिवक्ताओं का सम्मान होना चाहिए। अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, यदि आप अपने किसी प्रकार से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनके साथ माफी मांगिए और इनके यहां के अधिवक्ताओं के सम्मान में आप अपने कोर्ट का जो बहिष्कार उन्होंने किया है और नियमित रूप से आपने कोर्ट में सादर आमंत्रित करके उन्हें बुलाइए। इसी में सबकी खैरियत है, जनता का भी खैरियत है, अधिवक्ताओं का भी खैरियत है और आपका भी खैरियत है, हमारे जैसे आम नागरिक का भी खैरियत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो इस समस्या का समाधान कर लीजिए।